ये मेरा शिकार है, इसे यहीं छोड़ो। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं तारक सानी ते तुसी वेख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल रैबर एंटरटेनमेंट प्लस। मेरे एक वीर ने फरमाइश की सी कि सुल्तान राय की फिल्म जासूस के बारे कोई दस्या जाए, तो उस भरा की फरमाइश उत्ते मैं अज तुहाडे खिदमत जिहड़ी फिल्म लैके आया, उस फिल्म का नाम है जासूस। फिल्म जासूस 3 जून 1977 बरोज जमरात रिलीज होने वाली एक रंगीन एक्शनी फिल्म सी। इस फिल्म नू अदायदकार ने इंग्लिश फिल्म की तरह बनाने की कोशिश की है, लेकिन वो इस कोशिश नाकाम रहा है। जासूस फिल्म का टाइटल रोल सुल्तान राय ने अदा किया है, तो तुहानू इस फिल्म में एक्शन हीरो दे रूप ही नजर आएंगे। अदाकार सुल्तान राय जाया कर रहे, इसलिए मुमताज, मैं तो परदेश में हूं, मेरा मतलब है रोजीना, क्या मालूम था मेरी बदनसीबी, गुलाम मुईद्दीन, हमें पहले ही हो चुकी है, चकोरी, अदीब, आप लोगों की तस्वीर नहीं होता, चंगेजी, जवान को तो समझ गए होंगे आप, खालिद सलीम मोटा, तो किसी गधे को पहली बार देखा, कमाल ईरानी, हदायतकार इकबाल यूसुफ, मुसनफ फयाज हाशमी, फिल्मसाज इकबाल यूसुफ, म्यूजिक ताफू, शेर फयाज हाशमी, गुलकार नाहिद अख्तर, मेहदी हसन ए नियर, कैमरामैन एम हुसैन। सुल्तान राय ने इस फिल्म में एक प्राइवेट जासूस का किरदार अदा किया है, जिसका नाम इमरान होता है। इस फिल्म की कहानी का आगाज होता है सेठ आजम के कतल तो। सेठ आजम अपने कतल के खदशे के पेश नजर इमरान नू जिहड़ा कि एक प्राइवेट जासूस होता है उन्हें हायर करता है। सेठ आजम अपने कागजात ते वसीयतनामा इमरान सुल्तान राय दे कोल अमानतन रखवा देंदा है। इस दौरान सेठ आजम का कतल हो जाता है। बजाय यह लगता है कि इस फिल्म में गुलाम मुईद्दीन ने एक सरगना का जिहड़ा समगलर होंदे कातल होंदे उन्होंने सरगना का रोल अदा किया, जिहड़ा कि बजाय लगता है कि सेठ आजम नू कतल करना चाहते हैं। इमरान के दफ्तर चों सेठ आजम की वसीयत और कागजात चोरी हो जाते हैं, और चूंकि सेठ आजम कतल हो जाता है और इस कतल की गवाह शमा होती है। शमा का करैक्टर अदाकार मुमताज ने अदा किया है। रोजीना ने इस फिल्म में सेठ आजम की बीवी का किरदार अदा किया है। आप कुछ परेशान हैं? नहीं तो मैं आपकी परेशानी दूर कर सकता हूं। आप कुछ पुलिस नू सेठ आजम की बीवी ते शक होंदा है कि वो इस कत्ल में मुलव्वस है। सेठ आजम की बीवी सेठ आजम की सारी जायदाद अपने नाम करवाना चाहती है। इमरान उस वसीयत की तलाश च होंदा है जिहड़ी कि उसके दफ्तर चोरी होंदी है। चकोरी उस क्रोध की मिंबर होंदी है जिहड़ा सेठ आजम नू कतल करना चाहता सी। आसफ खान ने इस फिल्म में एक मुख्तसर जा रोल किया है जिहड़ा कि शमा का वालद होंदा है। यह शमा का सगा बाप नहीं होंदा, इसने शमा नू पालिया होंदा है। और इमरान ते शमा जदू आसफ खान नू मिलदे ने ते उन्हां नू पता चलता है कि शमा सेठ आजम की बेटी है, ते सेठ आजम अपने मरण तो पहले अपनी सारी जायदाद शमा दे नाम कर जांदा है। मुंडे शमा नू अगवा करके रेल की पटड़ी ते सुट जांदे ने ताकि उसकी मौत वाकया हो जाए ते सेठ आजम की बीवी सारी जायदाद अपने नाम करवा सके। लेकिन एक दफा फिर इमरान आ जांदा है और आके शमा नू बचा लैंदा है। नाजरीन आखिर च राज ये खुलदा है कि जुलिया जिहड़ी कि सेठ आजम की बीवी होंदी है उसका भाई
जेड़ा के सेठ आजम दा साला होंदा है असल वो कातिल होंदा है ते पुलिस उस कातिल नू गिरफ्तार कर लैंदी है। एक राज ये भी खुलदा है कि गुलाम मजीदीन और चकोरी नू असी फिल्म च उस गुरोह दा मिंबर या सरगना समझ रहे होंदे हैं जेड़ा सेठ आजम दे कतल च मुलव्वस होंदा है। लेकिन आखिर ते ये भी राज खुलदा है कि गुलाम मजीदीन ते चकोरी पुलिस वाले जेड़े के कातल दी तलाश ही चाहते हैं। अगर तुहानू मेरी मालूमात अच्छी लगी होवे तो मेरे चैनल लाइक सब्सक्राइब ते शेयर कर दियो।